अरे सर, कोयला कैसे बाबू बनता है, उसके बाद कैसे उसका एक्सट्रैक्शन होता है, फिर कैसे डिस्टिलेशन होता है, ठीक। आज आपको क्या, पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम कैसे बनता, कल आपको बताए थे पेट्रोलियम कैसे बनता, भोला वो आपको बताए थे क्या होता बाबू। ओशन वगैरह में, ओशन वगैरह में बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स वगैरह रहते हैं, प्लांट्स वगैरह रहते हैं, तो वो मरेगा, तो मरेगा बाबू तो कहाँ जाएगा, ओशन का जो सरफेस है, जो सतह है, वहां पे जाके सेटल डाउन होगा, है ना। अब फिर धीरे धीरे बाबू कहाँ चला जाता है, जमीन के अंदर चले जाएगा। तो ये जाने में कितना दिन लगता है बाबू, है ना, दिन नहीं लगेगा, सैकड़ों साल, हजारों साल लगेगा, ठीक। अब ये हजारों साल जो लगता है, बोला आलोक नहीं आता बाबू, आलोक इसे तान, आजकल आलोक कहाँ गए भाई, छोड़ो ऐसे बाबू, उसका वो पढ़ता लिखता नहीं है। ये कितना लगता है बाबू, हजारों साल लगेगा, क्या क्या लगेगा, हजारों साल लगता है ना, ठीक सर। अब ये जो हजारों साल लगता है बाबू, तो धीरे धीरे धस धस के कहाँ चल जाता है, जमीन के अंदर। और जमीन के अंदर जाएगा वो, तो प्रेशर बढ़ेगा ना जी, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो वही भोला धीरे धीरे मेल्ट होके बाबू आपका क्या बनता है, वायल बनता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रूड वायल कहते हैं ना। अब जमीन के अंदर क्रूड वायल बन गया है ना, अब वही क्रूड ऑयल बाबू क्या होगा, भोला मेरा जो क्रूड ऑयल है भोला, उसको हम लोग क्या करेंगे, जमीन के अंदर से बाहर निकालेंगे, है ना। कैसे करेंगे, ड्रिल करेंगे, तो वो जो अंदर से बाहर निकलेगा उसको क्या कहोगे, क्रूड ऑयल कहोगे। फिर उसके बाद उसको क्या करेंगे, रिफाइनिंग करेंगे, क्या करेंगे, रिफाइनिंग करेंगे, तो रिफाइनिंग के लिए रिफाइनरी प्लांट होता है, वहां पे भेजेंगे, तो उस क्रूड ऑयल को बाबू जब रिफाइनरी करोगे, तो वहां से बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, एक उद बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं ना, जो हम लोग डेली यूज करते हैं, डेली यूज में उसको यूज करते हैं ना। तो यही सारा प्रोसेस होता है, क्या होता है, यही सारा क्या होता है, प्रोसेस होता है, ठीक। तो वही सब लिखा हुआ, तो पेट्रोलियम बाबू दो वर्ड से बना, बोला ये ग्रीक वर्ड होता है, पेट्रा और प्लस ओलियम, क्या होता है, पेट्रा प्लस क्या होता है, ओलियम होता है ना, ठीक ठीक सर। तो पेट्रा मीन्स क्या होता है सर, रॉक होता, और ओलियम मीन्स ऑयल होता, मतलब कैसा सर, चट्टान का तेल। जो पेट्रोलियम है किसका तेल है भोला, चट्टान वाला तेल है, कौन सा है, चट्टान का तेल। कटपट चला जा रहा कहाँ से जाते हैं आप ही लोग, वो कट कट के जाता है नेक्स्ट। तो पेट्रोलियम मेरा कैसा सर, रॉक ऑयल, रॉक ऑयल मीन्स क्या, इसको चट्टान का तेल कहेंगे, ठीक। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, वो ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं, जैसे हम लोग के पास एक गोल्ड होता है ना जी, हाँ सर, तो ये काला सोना है, क्यों सर, क्योंकि बाबू ब्लैक कहने का मतलब जो क्रूड ऑयल होता है बाबू, कल वीडियो दिखाए थे ना, हाँ सर, तो जो क्रूड ऑयल होता है बाबू, उसका कलर कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है, क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है। और गोल्ड बोला इसलिए गोल्ड कहते हैं बाबू, कि इस वेरियस बाबू प्रोडक्ट बनता है, पेट्रोलियम से बाबू आपको पेट्रोल बनेगा, डीजल बनेगा, किरोसिन ऑयल बनेगा, है ना बाबू, नेचुरल गैस वगैरह बनेंगे, है ना, वैसलिन वगैरह बनता है ना, प्लास्टिक के बोतल वगैरह सब बनता है भोला, है ना, बहुत सारे इससे क्या बनेंगे, प्रोडक्ट वगैरह तैयार होते हैं, है ना। तो जो क्रूड है, इसीलिए इसको कैसा बाबू नाम दिया गया, सोना जैसा, है ना, मतलब इसको रिफाइनिंग कर, बहुत सारे प्रोडक्ट बनेंगे, तो बहुत सारे प्रोडक्ट बनेंगे बाबू, तो उससे हमको बहुत सारा पैसा होगा, बहुत सारा पैसा होगा, तो जो कीमती चीज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, गोल्ड के श्रेणी में रखते हैं ना, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे बाबू, ब्लैक गोल्ड कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्लैक गोल्ड कहते हैं, है ना, हाँ सर, बात तो समझ में आ गया है ना। नेक्स्ट बाबू, इट इज ऑल्सो नोन एज, इसको क्या कहते हैं, जमीन के अंदर से जो निकलता है ना, उसको पेट्रोल नहीं कहते हैं, उसको क्रूड ऑयल कहते हैं, काला वाला, कल दिखाया था ना वीडियो, काला जैसा सबस्टांस होता है, काला काला, नहीं तो आप कीचड़ में चल जाओ, तो कीचड़ थोड़ा सा ज्यादा मोटा होता है, तो उससे थोड़ा सा पतला वाला कीचड़े टाइप का होता है, जो कीचड़ जाते हो ना बाबू, उसी टाइप, उसी कलर का होता है ना, उसी के कलर जैसा होता है, ठीक। नेक्स्ट बोला है ना बाबू, नेक्स्ट सेजल कहाँ गया जी, बोला सेजल, ओ जी कि नहीं जी, सेजल बाबू है नहीं, अंशिका उसका तो, यस अंकल बाबू वीडियो ऑन कीजिए, काव्या सॉरी जी, ठीक। नेक्स्ट बाबू, ठीक, सर तो ये इसी वाला को, बैच कितने शार्प हो, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रूड ऑयल, है ना बाबू, काला जी रहेगा, ठीक है ना। ये देखने पेट्रोलियम जी बाबू कैसा होता है, अंदर जो क्रूड ऑयल निकालो कैसा होगा, डार्क कलर होगा, क्या होगा, डार्क कलर होगा, विस्कस होगा, विस्कस मतलब बाबू चिप चिपा, जैसे वैसलीन कैसे लगाते हो, तो चिप चिप करता है, ऑयल वगैरह करते हैं ना बाबू, तो वो क्या करता है ना, चिप चिप करता है कि नहीं करता, तो विस्कस का मतलब वही होता है, चिप चिपा। फ्लूइड मतलब क्या बाबू, लिक्विड होगा, क्या होगा, लिक्विड जैसा मटेरियल होगा, है ना।
और क्या होगा, लाइटर होता है, क्या होता है, पानी से क्या होगा आपका, लाइटर होगा, क्या होगा, लाइटर होगा, है ना, लाइटर होगा, ठीक। तो ये सब इसका क्या हो गया सर, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह हो गया, ठीक। अब फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम कैसे होता है, तो बताए थे पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कैसे होता है, भूला। तो क्या बहु, टिनी सी प्लांट्स, जो भी छोटे छोटे प्लांट वगैरह है, प्लांट्स है ना, जो एनिमल्स वगैरह है, वो मरेगा, समय पूरेगा तो वो क्या होगा, मरेगा। मरने के बाद बाबू क्या होगा, कवर बाई ए लेयर ऑफ बाबू सिल्ट, बाबू सैंड, बाबू आफ्टर डाइड इन द ओशन, ओशन में मर गया है ना, तो धीरे धीरे बाबू क्या होगा, चट्टान से है ना बाबू, सैंड से, सॉइल से, धीरे धीरे क्या होगा, कवर होते जाएगा। और कवर हो के कहाँ, अंदर धंसते जाएगा, क्या होगा, अंदर धंसते जाएगा, है ना, धंसते जाएगा, ठीक। नेक्स्ट बोला, उसके बाद क्या होगा, ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स, कितना बाबू, मिलियन ऑफ ईयर्स, ड्यू टू हीट एंड प्रेशर बाबू, दीज बाबू रिमेंस टर्न इन टू वायलेंट, मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद भला ये धीरे धीरे क्या होगा, वायल बाबू अगेस्ट क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सब सारा का सारा कहाँ कन्वर्ट होता है, ये सब सारा का सारा आपके घर में कन्वर्ट होगा, नहीं बोला, सारा का सारा कहाँ होगा, ओशन के अंदर, जमीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। अब जमीन के अंदर बाबू का क्या हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, जमा हो गया, ठीक। अब उसको निकालोगे कैसे, क्रूड ऑयल को कैसे निकालोगे, है ना, संदेश यार बनो, क्रूड ऑयल को कैसे यार निकाल पाते बाबू, यार बाबू तो आशुतोष जी, तो सर वीडियो कोमल बाबू क्या बोले, पेट्रोलियम वाटर से वेट में लाइट होता है क्या? हाँ बोले, डेंसिटी उसका कम होता है, अगर वो मिलियन साल और अगर बिलियन साल वो रह गया तो वो खराब हो जाएगा या वो और अच्छा हो जाएगा? खराब नहीं होते बाबू, है ना बाबू, जो अंदर होते भोला वो खराब नहीं होते, उसकी क्वालिटी धीरे धीरे और क्या होगा, इंक्रीज होते जाएगा, है ना, और बढ़िया बढ़िया कोयला बाबू, कैसे कैसे जैसे जैसे पुराना होता जाता है बाबू, है ना, आपका उसकी क्वालिटी कोल का क्या होता, बढ़ते जाता है ना, बढ़ते जाता, तो वही बात है ना बाबू, वही भोला। अब इसको क्या करो, जमीन के अंदर बन गया भोला, है ना, तो ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स बाबू, ड्यू टू हीट बाबू प्रेशर बाबू, है ना, ये तो हो गया। अब इसको क्या करना, जमीन के अंदर से क्या करोगे, एक्सट्रैक्ट करोगे, तो कैसे बाबू, आप लोग कभी देखे होगे आसपास में बाबू, जमीन के अंदर से पानी निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं, तो जैसे पानी निकालने का प्रोसेस है उसी तरह से पेट्रोलियम निकालने का प्रोसेस होता है ना, कभी देखना, कभी गाँव वगैरह जाएगा या कहीं शहर जाएगा ना, तो बाहर में बोरिंग होता, जमीन के अंदर पानी कैसे निकालता, वो ड्रिल किया जाता, समरसेबल बैठाया जाता है ना, और उससे पानी हम लोग बाहर निकालते हैं, तो ठीक उसी प्रकार बाबू यहाँ पे क्या किया जाता है, ड्रिल किया जाता है, जमीन के अंदर क्या करेगा, ड्रिल किया जाएगा, और उसके बाद उसको क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, ठीक। अब पेट्रोलियम बाहर निकल गया तो अब उसको हम लोग डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे, है ना, तो फिर उसके बाद उसको हम लोग क्या करेंगे, रिफाइनिंग करेंगे, क्या करेंगे, रिफाइनिंग करेंगे, है ना, तो रिफाइनिंग के लिए बाबू क्या होगा, आपका प्लांट होगा, क्या होगा, प्लांट होगा, तो रिफाइनिंग का प्रोसेस समझाते हैं, फिर उसके बाद डायग्राम बनाना, क्या करना, डायग्राम बनाना, है ना, हाँ सर। तो अब सबसे पहले क्या करो, पेट्रोलियम का फॉर्मेशन बोला, और उसके बाद क्या करो बाबू, पेट्रोलियम जैसे बाबू फॉर्म हो जाएगा बाबू, तो उसके बाद उसको हम लोग क्या करेंगे, है ना, उसका क्या करेंगे, एक्सट्रैक्शन करेंगे, अभी एक्सट्रैक्शन करेंगे बाबू, एक्सट्रैक्शन करने के बाद उसको हम लोग क्या करेंगे, रिफाइनिंग करेंगे, क्या करेंगे, रिफाइनिंग करेंगे, है ना, रिफाइनिंग करेंगे, ठीक है ना, ठीक हो। अब रिफाइनिंग कैसे करते हैं बाबू, तो वही समझाते कि कैसे हम लोग रिफाइनिंग करते हैं ना, इसको समझना है, सो तो सोन करो जी, देखो रिफाइनिंग कैसे करते हैं बाबू मेरे, सर रिफाइनिंग है ना, रिफाइनिंग कैसे करेंगे बाबू, एक मिनट बोला, आपका वीडियो बंद हो गया। हाँ जी बंद हो गया जी, हमको भी पता बाबू, कैमरा को थोड़ा टर्न करना पड़ता, नहीं टर्न करेंगे तो परफेक्ट एनलाइनमेंट नहीं होगा, ठीक ठीक सर। अब हम लोग क्या करेंगे, पेट्रोलियम को क्या करेंगे बाबू, रिफाइनिंग करेंगे, कैसे रिफाइनिंग हाँ करेंगे सर, उसको, यही सब दिखा दिए, नादव जोनास गूगल फीचर्ड फोटोज। देखो ये क्या हो रहा है बाबू, ये कुआं है, पेट्रोल का क्या बोला, कुआं है ना, तो ये आपको वीडियो दिखाया था ना, ये वाला बाबू, जमीन के अंदर क्या बहुत सारे मछली बाबू, एक्वेटिक एनिमल्स है, धीरे धीरे मरेगा, तो मरने के बाद कहाँ जाएगा बाबू, जमीन के अंदर जाएगा, ये सब मरेगा बाबू, तो धीरे धीरे क्या होगा, जमीन के सरफेस पे बैठेगा और धीरे धीरे कहाँ जाएगा, अंदर धंसते चला जाएगा, कहाँ होते जाएगा, अंदर धंसते चला जाएगा, है ना बाबू, धंसते चला जाएगा, ठीक। और धीरे धीरे अंदर धंसते धंसते बाबू क्या होगा, है ना, आपका हाई प्रेशर, सेडिमेंट क्या होता है? क्या बोलिए,
अरे सेडिमेंट। अरे बाबू, डिफरेंट टाइप्स के रॉक होंगे, आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया जाएगा बाबू। डिप सेडिमेंटरी रॉक होता है, डिफरेंट टाइप्स के बाबू, है ना। अर्थ क्या होता है, रॉक होता है ना। तो ये जो बाबू सेडिमेंटरी रॉक है, ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, देखो धीरे धीरे अंदर क्या हो रहा है, धस रहा है ना, धस रहा है बाबू। तो यहाँ पे वही आपको दिखाया गया है ना। अब धसेगा भोला तो होगा, है ना, वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा और कैसा कलर रहेगा, डार्क कैसा रहेगा, ठीक। ये क्रूड है ना, यहाँ पे आपका क्या हो गया, यही जो डार्क दिख रहा है यही आपका क्या हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, यहाँ पे बन गया आपका। अब इसको क्या करोगे, बाहर निकालोगे, या आपका क्या हो गया, सरफेस वगैरह हो गया, अर्थ का सरफेस हो गया। अब इसको क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो बाहर कैसे निकालेंगे सर, तो देखो क्या करना, शांति से समझना। ये मान लो ऊपर प्लांट हो गया है ना, कुआं हो गया, तो यहाँ से क्या करेंगे, मशीन के थ्रू हम लोग ड्रिल करेंगे, है ना, कहाँ ड्रिल करेंगे। अब ड्रिल कर दिया भला, मशीन के थ्रू ड्रिल हो गया। अब इसी कैसे, वो जमीन के अंदर से पानी कैसे निकलता है जी, मोटर स्विच करता दम तुरंत पानी निकल जाता, तो वही प्रोसेस यहाँ पे है ना। ये सारा का सारा बाबू क्रूड ऑयल कहाँ होगा, यहाँ तक पहुंच जाएगा, है ना, ये फर्नेस में पहुंचेगा। उसके बाद इसको क्या किया जाएगा बाबू, ये पहुंचेगा भला, तो उसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, रिफाइनिंग करेंगे। क्या करेंगे, रिफाइनिंग करेंगे, शांति से समझते चलना, है ना। तो यहाँ पे प्लांट हो गया बाबू, देखो ये हो गया, यहाँ पे कलेक्ट हुआ क्रूड ऑयल, यहाँ पे जो बाबू है ना टैंक जैसा स्ट्रक्चर है, इधर से खींचा घर में बाल्टी में, बाबू स्नान करना था, बाल्टी में पानी कलेक्ट करता है ना जी, तो यहाँ पे कलेक्ट हो गया। अब यहाँ से आगे जाएगा, यहाँ से जो क्रूड ऑयल है भोला आगे जाएगा, कैसे जाएगा, आगे जाएगा। तो आगे इसको कहाँ हम लोग भेजेंगे, रिफाइनरी सिस्टम में भेजेंगे। कैसे भेजेंगे, तो ये जो आपको दिख रहा है यही आपका क्या है, रिफाइनरी सिस्टम है ना, रिफाइनरी सिस्टम है ये जो दिख रहा है भोला, यही आपका क्या है, रिफाइनरी प्लांट है, ठीक। तो इधर से क्या आ गया, इसमें क्रूड ऑयल आ गया है ना, क्रूड नीचे गाड़ी वाला क्रूड ऑयल को लेकर आएगा ना, कोई पाइप वगैरह से, है ना, तो ये हो गया। यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये फर्नेस है, क्या भोला, ये फर्नेस है ना, फर्नेस है ना, ठीक। तो इस तरह से जो रिफाइनिंग करेंगे भोला, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये जो टंकी जैसा दिख रहा है इसको फ्रैक्सीनेटिंग कॉलम कहते हैं ना, और इसी प्रोसेस को फ्रैक्शन डिस्टिलेशन कहते हैं। मतलब इसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बनेगा, ठीक। अब इसको खोल के देखो, इस टंकी को बाबू, जो आपका फ्रैक्सीनेटिंग कॉलम है, इसको खोलेंगे, क्या करेंगे, बीरेन गणेश कोमल, क्या कोमल, वीडियो ऑन कर जी, कोमल वो वीडियो ऑन करो, अस्माइरा मन से पढ़ता चलना। सर आपको 100 साल से बोलते आ रहा हूँ कि मेरा वीडियो खराब है। थोड़ी कर रहा है नेक्स्ट बाबू, है ना। तो अब क्या होगा बाबू, यहाँ पे आएगा है ना, आगे थोड़ा सा बढ़ाया जाए, ठीक बोला नेक्स्ट बाबू। ये सब सबमरीन वगैरह बोला, जहाज वहाज बोला बाबू, है ना, ये सब यूज करते हैं ना, सिम फ्यूल वगैरह में यूज करते हैं, ठीक। आगे समझो, देखो अब समझना है। तो यहां से बाबू क्या हो गया, यहाँ पेट्रोल आ गया, आपका क्रूड ऑयल आ गया, अभी सर पेट्रोल, समझो ये क्रूड ऑयल यहाँ पे आके रिजर्व हो गया, कलेक्ट हो गया। फिर इसको यहाँ पे बाबू एक क्या होता है, पाइप होता है, इस पाइप के थ्रू क्रूड ऑयल क्या होगा, पास होगा। और इसको बाबू ये नीचे पे दिख रहा, आग लग रहा है, नीचे पे क्या लग रहा, आग लग रहा। इस क्रूड ऑयल को क्या करेंगे, हीट करेंगे, क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे, है ना, ऐसा वैसा हीट नहीं, 400 डिग्री सेल्सियस तक हीट करेंगे। कितना तक हीट करेंगे, 400 डिग्री सेल्सियस तक हीट करेंगे, है ना। तो आपको जो अभी फर्नेस दिखाए भोला, उसी को खोल के दिखाओगे ना, तो कुछ अंदर इस तरह से आपको क्या दिखाई देगा, स्ट्रक्चर्स दिखाई देगा, ठीक। अब जैसे बाबू यहाँ बाबू क्रूड ऑयल को हीट करेगा, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है, टेम्परेचर जोन होता है ना, डिफरेंट डिफरेंट क्या होगा, जैसे जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट भोला है ना, यहाँ नीचे में टेम्परेचर ज्यादा होगा, ऊपर जाने से क्या होगा, टेम्परेचर घटेगा ना जी। अरे नीचे इसको हीट करें, ये फर्नेस है, फर्नेस मतलब बाबू समझो कि चूल्हा, आप लोग अपने लेवल पे समझो चूल्हा, यहाँ पे आग लगाएगा ना बाबू, देखो आग लग रहा है, क्या हो रहा है, आग लग रहा है, ये चिमनी वगैरह है। अब आग लगेगा तो धुआं निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो ये चिमनी हो गया, इससे क्या होगा, यही यही डायग्राम आपको बनाना है, यही डायग्राम क्या करेंगे, बनाएंगे, है ना, ठीक। अब जैसे ही हीट होगा बोला, तो जो बाबू हाई टेम्परेचर पे होगा, कुछ सबस्टांस यहाँ से निकलेगा, कुछ आपको बाबू है ना ऊपर ऊपर जैसे जैसे जाओगे टेम्परेचर क्या होगा, घटते जाएगा, टेम्परेचर क्या होगा, घटते जाएगा। सुरभि मन से पढ़ते चलना सुरभि, है ना, ऊपर जैसे जैसे बढ़ोगे क्या होगा, टेम्परेचर घटते जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे बाबू आपको क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट ऑब्टेंड होगा, है ना, जो बाबू आपका बाबू फ्रैक्सीनेटिंग कॉलम है वहां पे होल होता, मान लो 300 से 350 डिग्री सेल्सियस पे आपका क्या मिलेगा, लुब्रिकेंट ऑयल मिलेगा। लुब्रिकेंट ऑयल बोला कहने का मतलब क्या हुआ, गाड़ी में बाबू डीजल इंजन वगैरह डालते हो ना जी, गाड़ी में ऑयल डालता है कि नहीं डालता है ना, ठीक सर।
तो गाड़ी में ऑयल डालता है भोला मेरा। हाय बाबू, मेरे पास लगता है एगो लाकर रखे थे कि फेंक दिए जी, है ना। वो देखो भी हाय जी, ऐसे कुछ फेंकते नहीं। देखो भोला, ये क्या है बाबू? होंडा है ना, नहीं दिख रहा है जी? लाता फ्यूअर ये नहीं तो ये क्या लंडा बोला? लंडा हीरो देखो ये क्या बोला, ये लुब्रिकेट। कितना अरे शैतान, इतना सारा बाबू अब नहीं दिख रहा था ऊपर से लाइट बाबू, है ना। लाइट नहीं ऑन जी, करिए ना सर। लाइट ऑन है जी, स्टूडियो आप कितना ऑन करो। अब चलो देखो, देखा जी। हाँ तो ये बाबू क्या है आपका इसमें बोला बाबू, है ना। ये जो है बाबू पेट्रोलियम प्रोडक्ट होंडा ना, ये जो बाबू क्या है पेट्रोलियम प्रोडक्ट है ना, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। इसको हम लोग ओ क्या लुब्रिकेटिंग ऑयल कहते हैं, है सर आपके ना। पास न्यू होंडा है? न्यू होंडा ये इंजन ऑयल है, जैसे गाड़ी का सर्विसिंग वगैरह कराने जाएगा ना बाबू, तो इस तरह से आपको क्या करेगा, सर्विसिंग करने के समय वो चेंज करेगा ऑयल। तो ये इसमें जो तेल है भोला, इसमें जो तेल है भोला, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल कहेंगे। क्या कहेंगे? लुब्रिकेटिंग ऑयल। इसको खोलोगे बाबू तो वो ऑयल निकलेगा, देखो कैसा गाढ़ा जैसा है सर, इसको ना। मोबिल कहते हैं ना। हाँ, मोबिल कहते हैं। ठीक, देखो बोला, दिख रहा बाबू ना दिख रहा? शैतान, यही तो आप इसको मोबाइल कहते हैं। इसका भी एक्सपायरी डेट होता है। चूना ए बाबू, ये तो बाबू फूटा। लगा दिया। अरे चूना सर, हटाइए। अरे छी छी छी, चू नहीं रहा, ये चूना लगा आप क्या दिया। बदनाम हो। चलो कोई दिक्कत नहीं है। देखो चूना बाबू, लगा डाला, चूना चू गया पेट्रोल, चू गया हाथ सर के हाथ पे। ये ग्रे कैसा कलर है जी, देख रहा है जी कैसा कलर है भोला आपका कलर भोला? जाएगा क्या? क्या यही बोल रहा है? आगे हला नहीं, ये जो बाबू यही आपका क्या हो गया, लुब्रिकेटिंग वाला। आगे आगे सर वहां लिप। पे येलो दिख रहा है उसके अंदर। कैमरा को हो सकता है बाबू पीछे वाला ये येलो है ना भोला, तो हो सकता है उससे रिफ्लेक्ट होता होगा, वो अलग बात जा है। जा जा ब्लैक जा जा आ है जा। सर। हला नहीं, यही आपका क्या बाबू, लुब्रिकेटिंग ऑयल है। क्या है? लुब्रिकेटिंग ये ऑयल बोले। माला कलर का है पूरा ब्लैक। इससे कॉलेज इसका का भी भी लीकेज सर, हो गया था सर, इसका भी डायपर एक्सपायरी डेट होता है। हाँ पे। डायपर पहनाइए बाबू, दुनिया में जो भी चीज आया भोला, सर। दुनिया में देखो, दुनिया में जो भी चीज है भोला, हर एक को एक दिन जाना है। सीधा सी बात समझो, तो हनी को छी हर एक छी। एक्सपायरी होता है, ठीक है ना। आप बाबू जैसे आदमी है तो 100 साल में जाए, चाहे डेढ़ हाथ सौ धो साल में लीजिए हाथ। हला सर नहीं जाए। वाटर भी एक्सपायर होता है क्या? वाटर को भी बाबू बहुत दिन तक छोड़ दोगे तक देखोगे उसमें क्या लग जाता है, कीड़े हाँ लग जाते हैं ना, यस कीड़े सर। लग हनी जाते उस तो नमक में क्यों नहीं लगता है? ओ हैं। नमक दिन तक छोड़ दे बाबू, तो उसमें वाटर मॉइस्चर आ जाता है ना, धीरे धीरे मिट्टी बाबू होगा, है ना। आते समझना, तो दुनिया में जो भी चीज है भोला, उसका क्या होता है, एक्सपायरी डेट होता है ना सारे का। कोई 100 साल रहे, 200 साल रहे, लेकिन जाना जरूर है, आया है जो जाना जरूर है, ठीक है ना भोला। ठीक, आगे समझ। लुब्रिकेटिंग ऑयल का काम क्या होता है सर? ये सब गाड़ी के आपका इंजन, फ्यूल ऑयल डीजल है? ठीक है, पापा जी के पास अपनी गाड़ी लेके जाएंगे ना, चर्चा की बात, कनक सर्विसिंग करवा जाएंगे ना, तब जाना साथ में, तो वहां पे इंजन ऑयल डालेगा, वही लुब्रिकेटिंग ऑयल है ना, गाड़ी स्मूथ चलेगा एकदम मक्खन जैसा। ठीक, आप आगे समझो। कैसा मक्खन? कैसा मक्खन? सर आपका डीजल फ्यूल ऑयल है? सर विक्रम भैया कह रहे हैं कि उनको डायपर पहनना बहुत अच्छा लगता है। बहुत हल्ला करता है जी। नेक्स्ट बोला, ये बाबू कैप इसका करेक्ट था शैतान, पता नहीं चला आई राम ना। भैया यही तो आप रखते हैं। चलो, अरे तो हमको थोड़ी पता था बाबू, वो तो दिया होगा, शायद करेक्ट होगा। नेक्स्ट बोला, तो यहां से इसको अच्छी करोगे भोला मेरा, क्या करोगे, है ना। तो इसको जब बाबू ये करोगे, प्यूरिफाई करोगे, रिफाइनिंग करोगे बाबू, है ना, तो डिफरेंट डिफरेंट लेयर पे क्या मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे, है ना, प्रोडक्ट मिलेंगे। देखिए इधर आग लग रहा है, क्या लग रहा है, इधर आग लग रहा है ना। ये बताया गया भोला कि कौन से सब्सटेंस को कहाँ यूज करते हैं, है ना, यही बताया गया। चलो पहले एक बार पूरा समझाते हैं। है ना, देखो इसका यूज बाबू, है ना, अब समझना। गैसोलीन आ गया, ऊपर नेचुरल गैस आ जाएगा। केरोसिन का स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है।
अच्छा पहले इतना समझो, देखो अब शांति समझो। इधर से पिट्ठू आया सर, उसको फर्नेस से पास के, फर्नेस मतलब क्या होता है, जहां पे इसको भट्टी, जैसे जब बाबू ईट ईट की भट्टी होती है, ईटा की भट्टी होती है, तो ईटा को क्या किया जाता है, पकाया जाता है हाई टेम्परेचर पे। उसी तरह से बाबू तेल को क्या किया जाएगा, हीट किया जाएगा। क्या किया जाएगा, बिरयान वीडियो ऑन कर बाबू, तेल को क्या किया जाएगा, हीट किया जाएगा, है ना। हाँ सर, अब तेल को जब हीट करेंगे स्वाति, है ना, कोमल कहाँ गए, लिव कर लीजिए, तो यहाँ हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे। जैसे हीट करेंगे बाबू, तो ये आपका जो टैंक है बोला, ये फ्रैक्सीनेटिंग कॉलम है, यहाँ से बहुत डिफरेंट डिफरेंट पाइप बाहर कनेक्टेड रहेंगे। तो 300 से 350 डिग्री सेल्सियस पे जो पहला प्रोडक्ट मिलेगा उसको लुब्रिकेटिंग ऑयल कहते हैं, मतलब वो मोबिल वगैरह जो गाड़ी का इंजन वगैरह होता है, हम लोग क्रूड ऑयल से ऑब्टेंड करते हैं। कितना डिग्री सेल्सियस पे, 350 डिग्री सेल्सियस के आसपास। धीरे धीरे ऊपर जाओगे टेम्परेचर घटेगा, जैसे जैसे ऊपर जाओगे टेम्परेचर क्या होगा, घटते जाएगा। तो 250 से 300 डिग्री सेल्सियस पे वो हमको कौन सा ये क्रूड ऑयल ऑब्टेंड होगा, कौन सा पेट्रोलियम प्रोडक्ट ऑब्टेंड होगा, फ्यूएल ऑयल। फ्यूल ऑयल बाबू मतलब कहने का मतलब बाबू क्या आपका हो गया, है ना, ईंधन, है ना। फ्यूल मीन्स क्या होता है, ईंधन, है ना। जैसे बाबू हम लोग गाड़ी वगैरह चलाते हैं उसी को क्या कहोगे, फ्यूल ऑयल कहोगे, है ना, जैसे आपका पेट्रोल वगैरह हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट थोड़ा सा ऊपर जाओगे बाबू तो टेम्परेचर और डाउन होगा, तो 220 से 250 डिग्री सेल्सियस के बीच में हमको क्या होगा, डीजल फ्यूल, मतलब हमको डीजल ऑब्टेंड होगा। ठीक सर, थोड़ा सर, सा चलेंगे बाबू, मतलब क्या सर, शांति समझना, मतलब जो पेट्रोल है ना भोला, उसको जब रिफाइनिंग कर रहे हैं ना, तो इतना सारा प्रोडक्ट हमको क्या हो रहा है, ऑब्टेंड हो रहा है। अब इतना सारा प्रोडक्ट ऑब्टेंड हो रहा है एक वो क्रूड ऑयल से, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं बाबू, सारा का सारा क्या कॉस्टली है। पेट्रोल देखते हो ना जी कितना बाबू कॉस्टली होता है, 100 रुपया में बाबू 1 लीटर देता, मोबिल 400 में देता, अभी जो ये बाबू दिखाए बाबू 400 रुपया में देता है ना भोला, 800 ml रहता है या 500 ml रहता है, ठीक है ना। तो सारे के सारे क्या है, ये कॉस्टली प्रोडक्ट है ना, कॉस्टली प्रोडक्ट है। ठीक, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सोना, कैसा सोना, काला सोना, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, काला सोना कहेंगे, क्या कहेंगे, काला सोना कहेंगे, है ना, समझते काला चलना। सोना, काला सोना, काला सोना। फिर बाबू और टेम्परेचर लो होगा तो आपको क्या मिलेगा, पेट्रोलियम से ही क्रोसिन मिलेगा। फिर बाबू आपको बाबू और टेम्परेचर बाबू लो होगा तो आपका नेफ्था वगैरह मिलेगा, है ना, जिसको बाबू आप लोग, है ना, और इसको बाबू बोतल वगैरह बनाने में यूज करते हैं ना, वाटर बोतल वगैरह बनाने में यूज वगैरह करते हैं, कैप्सूल वगैरह में। फिर और टेम्परेचर लो होगा बाबू तो आपको गैसोलीन वगैरह मिलेगा। फिर सबसे ऊपर में बाबू आपको नेचुरल गैस मिल जाएगा, जैसे सीएनजी गैस वगैरह, है ना, सीएनजी गैस वगैरह ऊपर में नेचुरल, लिखा नहीं है उसमें। लिखेगा आगे आएगा, लिखेगा आगे आएगा तो लिखेगा। तो ये बाबू आपका क्या, पेट्रोलियम है ना, पेट्रोल इंजन फ्यूल है बोला, है ना, आपका जो भी बाबू हम लोग गाड़ी वगैरह में डालते हैं ना, वही है बोला, वही आपको क्या डाल रहा है, पेट्रोल डाल रहा है ना, पेट्रोल डाल रहा है। ठीक, सर सर है ना। नेक्स्ट बाबू, ठीक, इतने से टंकी में इतना सारा फ्यूल। अरे इतनी सा टंकी इसमें ना दिखाया गया, बहुत बड़ा टंकी रहता है, बहुत बड़ा टंकी रहता है। ये कौन सा गैस है वो सबसे ऊपर में बाबू, ये हमारा कौन सा एलपीजी गैस है, कहाँ एलपीजी गैस, है ना। तो सबसे ऊपर में 25 डिग्री कम सेल्सियस से हमारा रिफाइनरी गैस वगैरह निकलेगा, जिसको हम लोग यूज करेंगे बाबू खाना वगैरह बनाने में, है ना, खाना वगैरह या सीएनजी बाबू गाड़ी में, है ना, दिल्ली में जाओगे बाबू तो सीएनजी बस चलता है ना, वही सब में यूज करते हैं। ये सब क्या बाबू, ये सब बाबू, ये सब में क्या होता है, गैस यूज होता है। ये सब प्लांट है, दिख रहा है जी कितना खतरनाक प्लांट है बोला, है ना, कितना बड़ा प्लांट है ना। प्लांट हाँ बाबू, प्लांट, पेड़ पौधा, प्लांट कहने का मतलब पेड़ पौधा नहीं बोला, जैसे बाबू आप लोग बड़ा हो जाओगे कहीं जाओगे, तो जैसे मान लो कहीं इलेक्ट्रिसिटी बन रहा है तो उसको क्या कहेंगे, पावर प्लांट कहेंगे, है ना। वो कहीं पानी वगैरह बन रहा है, जैसे डैम वगैरह होता है तो उसको हाइड्रो प्लांट कहते हैं ना, प्लांट फैक्ट्री का, ऐसा रहता है। हाँ, प्लांट का मतलब पेड़ पौधा नहीं समझना, कोई लार्ज इंडस्ट्रियल एरिया को क्या कहा जाता है, प्लांट कहा जाता है, लार्ज इंडस्ट्रियल एरिया होता है ना उसको प्लांट कहते हैं, यहाँ से बनता है ये सब। है ना। यही सब बाबू क्या है, पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है, यही सब क्या है, पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले पेट्रोलियम को हमने क्या किया बाबू, सबसे पहले पेट्रोलियम को क्या क्या बोला, खोजा, है ना, कहाँ पे है बाबू, पेट्रोलियम बना कैसे, तो जो भी बाबू पेड़ पौधा बाबू मरा, है ना, जो भी बाबू इक्वेटिक एनिमल वगैरह मरा, जमीन के अंदर धंसा, फिर पता लगा कहाँ पेट्रोलियम है, पता लग गया बाबू तो ड्रिल किया, ड्रिल करने के बाद उसको क्या किया बाबू, बाहर निकाला, बाहर निकालने के बाद उसको क्या क्या बोला, उसको हमने रिफाइनिंग किया, रिफाइनिंग करने के बाद बाबू हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट ऑब्टेंड किया, है ना। तो यही कंप्लीट आपका क्या है, पेट्रोलियम है, कंप्लीट क्या है आपका, पेट्रोलियम है, कैसे बनता है, कैसे निकलता है, कैसे रिफाइन वगैरह होता है, समझ में आया कंत भोला, एक अंत बाबू, समझा जी कि नहीं समझा जी। अब यस सर, समझे। हाँ, तो अब ये अभी जो ये डायग्राम बनाए बाबू, यही डायग्राम आपको क्या करना है, बनाना है ना, ये जो डायग्राम आपको दिखाए ये वाला, है ना, ये वाला जो डायग्राम दिखाए हैं यही डायग्राम बनाना है। ठीक, सर थोड़ा सा यही इसको वाला फिर, डायग्राम, हाँ यही एक वाला और डायग्राम डायग्राम दिए थे ना, सर वो आप बोला उसमें डिस्ट्रक्टिव भेज डिस्ट्रक्शन ऑफ कोयल का। बाबू, पेट्रोलियम,
का फ्रैक्शन डिस्टिलेशन यही डायग्राम आप लोग को बनाना है, ठीक। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन आप लोग के बुक में यही डायग्राम दे लो, डायग्राम। ठीक बोला, अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट बोला, अब हम लोग आगे लिखेंगे। हाथ तो पूरा बाबू वाइल वाइल हो गया जी, लिखेंगे तो बोर्ड भी खराब हो जाएगा। ठीक बाबू, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? आगे पढ़ेंगे, क्या करेंगे? आगे पढ़ेंगे, है ना। दो साइड हो ये तो हल्का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, चलो आप लोग भी तो डायग्राम ड्रा करो बाबू, ये डायग्राम ड्रा कीजिए हाँ इसके क्लियर कर बाद पाएंगे तब। बहुत ही बाबू। बहुत निधि सर डायग्राम, सर आप बना लीजिए तो बना लेंगे। नहीं, जल्दी बनाए, जल्दी बनाए, जल्दी बनाए, देख देख के बनाए बाबू, उसके बाद क्या आपको सर? बता। ये सर डायग्राम ऐसे सर, का सर उसके बाद हम लोग की छुट्टी। इसमें टाइम लगता है सर बनाने में। इधर एक वो फर्नेस देना, ये काला काला है सर, इसमें क्या क्रूड ऑयल भर गया करने से जमीन के अंदर से, इन्हें पाइप था, इन्हें पाइप था, आगे क्रूड ऑयल फर्नेस हो गया। ये आपका क्या हो गया? फर्नेस हो गया। क्या हो गया? फर्नेस हो गया। ये आपका क्या हो गया बोला? फर्नेस हो गया। कौन से कलर से लिखे? ब्लैक से लिखते हैं। ये आपका बाबू फर्नेस हो गया, नहीं उगता है ना। ये आपका क्या हो गया बाबू? फर्नेस हो गया, है ना। क्या हो गया? फर्नेस हो गया। ये आपका फ्रैक्सीनेटिंग कॉलम हो गया, फ्रैक्सीनेटिंग कॉलम हो गया, है ना, बोला, ठीक। और ये आपका चिमनी है, ये आपका क्या है? चिमनी है, CHM, ना, चिम, चिमनी ऐसी ना होता, CHIMINE बाई चिमनी होता है ना। सर चीमी नहीं लिख दिए आप सर, CHIMNEY होता है सर। ठीक ठीक, CHIMNEY। नहीं, सर। वो ट्रक भी ड्रॉ करना है। ट्रक नहीं ड्रा करना, पूरा का पूरा हाथ बाबू खराब हो, जल्दी ड्रा कीजिए। ड्रॉ ड्रोन करो जी, टाइम नहीं जी। सर, वो चिमनी और वो दोनों कंटेनर जो बड़ा बड़ा है उसको भी ड्रॉ कर। सर हाँ, उसको भी ड्रा कीजिए। मतलब पूरा नहीं ना। सर अरे जितना डाय आपको दिख रहा है सारा का सारा ड्रा करो। जल्दी ड्रा करो कोमल, बोलिए। डन सर, मैं जा रही हूँ। रहा क्या सोन बाबू, चेक करेंगे मंडे को, आपका चैप्टर ये इसमें और लिखाना है, उसके बाद फिनिश हो जाएगा। ठीक सर, नहीं चेक कर, नहीं हो रहा है। होगा जी, करोगे तो कैसे नहीं होगा बोला। रिफाइनिंग इतना बड़ा डायग्राम क्यों दिया में ऐसे डांस करना रहता है। सर आप बोर्ड पे लिख देते तो हम लोग आराम से लिख लेते हैं। उस वाला वो वाला हो गया है, बोर्ड पे लिखे थे तो। बैच कल बाबू आप लोग का भला, सर बाबू बिजी है तो आएगा मंडे ट्यूसडे को बाबू, देखते हैं नया टीचर लाते बाबू एक आगो खोज के, तो आपका डेमो क्लास इंग्लिश का मंडे ट्यूसडे होगा बाबू, उसके बाद आपका कंटिन्यू हो जाएगा, नहीं बचता है। तो क्या पढ़ रहे थे बाबू? नॉन पढ़ रहा था, क्या पढ़ रहा था बाबू? नॉन पढ़ रहे थे जी, क्या पढ़ रहे थे जी? मैथ वाला मैम बेसिक मैथ में पढ़े थे बाबू? नाउन पढ़े थे। नो सब, ये सब यस नाउन खत्म ही हो गया था बस। नाउन खत्म हो गया था, तो नाउन के बाद क्या सिलेबस था? सिलेबस पूरा लिखी हो बेसिक मैथ का सर? अभिया बेसिक यस मैथ नहीं बोलो, बेसिक इंग्लिश वाला हम सर लिखे हैं। ठीक सर को दे देंगे बाबू, उसी के अनुसार आपको पढ़ा। है यस। बात किया नया टीचर वाले से बात, तो कल तो बीजी है, सोमवार मंगल को एक दिन शाम को आप लोग का क्लास नहीं लेंगे, वही इंग्लिश का क्लास हो जाएगा मंडे ट्यूसडे को, ट्यूसडे वेडनेसडे को ना एक दिन। सर, आप मैथ्स न्यू की टीचर क्लास सर, दीजिए। न्यू टीचर बेटा रूटीन गड़बड़ा रहा है ना बाबू, सब रूटीन ठीक सर, है बना लेंगे बोर्ड। एक को मल आता है समझ में बाबू। यस सर।